हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ में वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है कि हम उसको कैसे कॉम्पैक्ट करें, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। तो उसको ऐसा करते हैं ना कि इस बड़ी प्रॉब्लम को, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है उसमें, तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक कह सकते हैं ना, एक स्केलेटॉन तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को आपको खुद ही भरना होगा बेटा। तो उसी फहरिस्त में एक चीज़ और जो हमने जोड़नी है वो है एलिगेशन का रूल। एलिगेशन के रूल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलिगेशन का रूल लगाने से कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है या क्या हो सकता है, लेकिन एक तरीका है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। ये तरीका अगर आप जानेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आप इसका यूज़ करेंगे। बेसिकली ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिस्सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाऊँगा तब वापस लौट के आऊँगा। यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले लो कि एलिगेशन का रूल है क्या। एलिगेशन मिलावट मिश्रण का जो नियम है वो नियम क्या कहता है, इस बात पर एक हल्का सा जल्दी से जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि किस किस तरह से इसको आप और कौन कौन से क्वेश्चन में, किन किन चैप्टर्स में आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे चैप्टर्स जैसे जैसे आएंगे सिंप्लीफिकेशन में सीखा हुआ आपका ये एलिगेशन का रूल आपके काम आता जाएगा। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो एलिगेशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिगेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक ज़रूरत है इस बात की कि आप इसको ऐसे समझो। ये एग्जांपल बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, क्योंकि बहुत ही आसानी से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है ना। और बात अगर मिलावट की हो तो मिलावट की बातचीत में कुछ मिलावट के नियम कानून जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, दूध और पानी। दूध वाले भाई होते हैं, हम लोगों के यहाँ दूध लेके आते हैं, मस्त पानी मिलाते हैं, पैसा बढ़ाने को बोलते हैं जब, तो हम ही लोग नहीं मानते हैं, नहीं पैसा नहीं बढ़ाना, जितना देते उतना ही। तो कहते हैं ठीक, तुम पैसा मत बढ़ाओ, हम पानी बढ़ा देंगे। उसी पर एक एग्जाम्पल है, बड़े आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ये पहला कंटेनर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन कंटेनर्स हैं। इस वाले कंटेनर और इस वाले कंटेनर में कुछ दूध की क्वांटिटी है, वो मैं आपको बता दूं। प्योर दूध तो डायनासोर है, एकदम देखने को नहीं मिलता है। जिन लोगों को मिलता है भैया, बहुत अच्छी बात, खुशनसीब आप लोग। 90% दूध की मात्रा इसमें है, और ये 60% वाला दूध है, सस्ता वाला दूध। 90% दूध और 60% दूध, ठीक है। इस वाले कंटेनर में जो मिश्रण भरा हुआ है वो दूध और पानी का है, और उस दूध और पानी के मिश्रण में 90% दूध है, कह सकते हो प्योरिटी के काफ़ी करीब है, प्योर नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा। और यहाँ पर ये 60% प्योरिटी से काफ़ी दूर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस वाले और इस वाले दोनों को उठाकर हम इसमें मिला दें और आपसे बोलें कि दूध की मात्रा 50% हो गई, तो क्या ये मानने वाली बात है? आप कहोगे सर ये बताइए, जब 90% इसमें था और 60% इसमें था, तो दोनों से नीचे का परसेंटेज इसमें कैसे हो सकता है? अगर इनको आप मिलाओगे तो इसमें क्योंकि 90% है, तो ये 60% वाली मात्रा भी थोड़ा ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, है ना। या अगली बात जैसे हम इसको देखें, आप ये कह सकते हो कि ये 90% और 60% हमने मिला दिया, और हमने आपसे कहा कि 100% प्योर मिल्क मिल गया आपको, ये चीज़ भी बेटा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो वो दोनों कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? फॉर्मली एक बार इस बात को समझ के देखिए कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बात है कि 90 और 60, इस बार आप देखो कि 90 और 60 माने इसमें भी पूरा दूध नहीं, इसमें भी पूरा दूध नहीं, दोनों को मिला के पूरा दूध हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम ये बात आपके सामने रखें कि 90 वाला ये और 60 वाला ये मिलाकर जो मिश्रण बना, तो इसमें 80% दूध हो गया, आपको अगर हाँ ये मान लेते हैं, क्योंकि 90% ज़्यादा वाला है, 60% कम वाला है, दोनों को मिलाकर दोनों के बीच की कोई वैल्यू मिल गई आपको, 90 और 60 के बीच की कोई वैल्यू, बीचों बीच नहीं, बीच की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जिस बात को कहेंगे कि 90% दूध किसका, हम ये 90% अगर निकाल रहे हैं तो इस पूरे बर्तन में जितना दूध था उसका, 60% निकाल रहे हैं इस पूरे बर्तन में दूध नहीं, सॉरी, जितनी मात्रा थी मिश्रण की उसका 90%, जितनी मात्रा थी मिश्रण की उसका 60%, ठीक है भाई। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एलिगेशन लोग अप्लाई करते हैं उसके बाद समझ में नहीं आता कि रेशियो निकला किस चीज़ का। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये 90% अगर इस पूरे बर्तन की कैपेसिटी 10 लीटर है, तो हम कहेंगे साहब 10 लीटर में से ये जो 90% दूध हमने निकाला है, 10 लीटर में से 9 लीटर दूध है। तो ये कहाँ से निकाल पा रहे हो आप इस पूरे बर्तन की कैपेसिटी पे बात कर रहे हो ना। एलिगेशन का रूल कहता क्या है? एलिगेशन का रूल भैया हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई होता है, और वो कहता ये है,
ये जो 10 लीटर का बर्तन है, इस 10 लीटर में से 9 लीटर दूध है, यहाँ पर ये बात बेटा क्लियर कर लो पहले। और अगर ये 20 लीटर का बर्तन है तो इसमें 12 लीटर दूध है, ये बात क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये पूरे बर्तन की क्वांटिटी पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एलिगेशन का रूल कहता क्या है? एलिगेशन का रूल कहता ये है कि एक बर्तन में 90% दूध है, दूसरे में 60% दूध है, और ओवरऑल दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बिना उसमें अगर 80% दूध है तो एलिगेशन लगाना मतलब बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 90 में से आपने 80 घटाया 10 मिला, और 80 में से 60 घटाया तो 20 मिला। और इस तरह से एक रेशियो 2:1 जो होगा वो इनकी कैपेसिटीज का रेशियो होगा। ये समझ लो कि अगर ये 10 लीटर का है तो ये 5 लीटर का रहा होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये इनकी टोटल कैपेसिटी का ही परसेंटेज दिया हुआ है ना, जो डब्बा है उस डब्बे का 60%, और इनको मिलाया गया है इसमें तो 15 लीटर के मिश्रण में 80% दूध होगा, ठीक है। बाइफर्केशन के साथ में आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो अगर चेक करना चाहो तो। जैसे यहाँ पर अगर 80% है तो 15 लीटर का 80% आपने निकाला, और आपने कहा 15 × 8 = 120, 12 लीटर होना चाहिए। तो हमने कहा सही तो है, 10 लीटर में से 9 लीटर, 10 लीटर में से 9 लीटर की 90% दूध इसमें है, और 5 लीटर में से 60%, 6 × 5 = 3 लीटर इसमें है। तो 9, 3 लीटर इधर से, 9 लीटर इधर से, कुल मिलाकर दोनों को अगर इसमें डाला गया तो ये कितने का हुआ? 12 लीटर का। बात समझ में आ गई ना? तो 15 लीटर में से 12 लीटर दूध है। तो ये सारी बातें अभी हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले इस एलिगेशन के रूल को, मिश्रण के नियम को सिर्फ समझिए नहीं बल्कि लिख भी लीजिए। ये जो एलिगेशन का रूल है ये क्या कहता है? मिश्रण का नियम। देखिए मिश्रण के नियम में, क्योंकि ये रेशियल प्रोपोर्शन का हिस्सा है, इसलिए इसमें जो बात आती है ना वो मिलावट वाली आती है। जब हम मिलावट कर रहे होते हैं सस्ते और महंगे की, तो सस्ते और महंगे से यहाँ मतलब है, सस्ता अगर देखो तो कम वाला, महंगा देखो तो ज़्यादा वाला, ठीक है। तो इसको उसी सस्ते और महंगे के हिसाब से ही लिख लेते हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा कि कोई चीपर क्वालिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सस्ता, किसी डियरर क्वालिटी के साथ मिलाई गई, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग महंगा। सस्ते और महंगे को मिलाया गया। अभी सस्ते को सपोज कीजिए आप सी से डिनोट कर रहे हैं, महंगे को आप डी से डिनोट कर रहे हैं। सस्ते और महंगे को मिलाया गया, ये मीन प्राइस मिला, ये माध्य औसत मूल्य या माध्य मूल्य मिला। तो ये जो मीन मिला है, जो माध्य मिला, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये 90 और 60 के बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब कि किसी एक से छोटा होगा, 90 से छोटा है, और किसी एक से बड़ा होगा, जैसे 60 से बड़ा है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम अगर यहाँ पर वैल्यू डालें तो क्या चीज़ समझ सकते हैं हम, कि बड़े में से छोटा घटेगा। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बात तो आपको क्लियर ही है ना यहाँ पे। तो हमने कहा कि डियरर में से मीन घटेगा और मीन में से चीपर, और एक रेशियो मिलेगा, ये रेशियो होगा चीपर इज टू डियरर का। ये रेशियो होगा सस्ते और महंगे का, यानी सी टू डी मिल जाएगा आपको कि कितनी कितनी मात्रा ली गई है, ये बात आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ से जब आपको रेट पता हो तो रेट किसका होगा? पर केजी होगा, तो आपको क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, ठीक है, कि कितना क्वांटिटी में सस्ता आइटम है, कितना क्वांटिटी में महंगा आइटम है। इस चीज़ को अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में समझें तो दो आर्टिकल्स दिए हुए होते हैं, एक आर्टिकल को सर्टेन प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाता है, दूसरे आर्टिकल को सर्टेन प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाता है, ओवरऑल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपको दिया हुआ होता है। तो उस पर भी आप ऐसे ही रेशियो बनाते हो, बट वो रेशियो आएगा किसका? तो प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस पर। तो जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइसेस का होगा, मीन्स चीज़ जिस पर निकाली जा रही हो उसका रेशियो यहाँ पर मिलता है। ये बहुत समझने वाली बात है, हम लोग इस पर एक ब्रॉड डिस्कशन लेंगे, और वो लेंगे किस पर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल की बात अगर करें तो इस वाले नियम को पहले ध्यान से देख और लिख लीजिए,
और इस नियम का जो बेसिक रीज़न है वो रीज़न ये है कि हम इसको किस किस चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करके आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन हो चुके हैं उन पे एक आधा क्वेश्चन और ले लेंगे उस पे। सिंप्लीफिकेशन के बाद में जैसे ही आप परसेंटेज पे आओगे वहाँ पर भी इसका यूज़ आपको मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भरसक प्रयोग मिलेगा इसका, डिस्काउंट में इसका यूज़ मिलेगा, तो बहुत सारा यूज़ है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना भी काम चलेगा, स्मूथनेस के साथ में चलेगा, लेकिन जब पता कर लेते हैं क्या दिक्कत है यार। तैयारी इसी का नाम तो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हों, करने के तरीके पता हों, जिस जो हमारा कंफर्ट जोन होगा उसके हिसाब से हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो कल वाला एक क्वेश्चन उठाते हैं। कल वाला एक क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि टोटल 140 पैर थे, कुछ मुर्गियाँ और गाय थी, उनके पैर 140 थे और जो सिर दिए हुए थे वो सिर दिए हुए थे 48। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सबका हिसाब किताब मीन औसत माध्य के रूप में निकालें, तो टोटल अगर 140 पैर हों 48 लोगों के, 48 जानवरों के, तो हर एक जानवर का कितना पैर है? देखिए इसको चार से काट लीजिए, चार तिहाई 12, चार पंजे 20 और 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, दो सही 11/12। तो हर एक जानवर मीन के रूप में आपको क्या मिल गया, हर एक जानवर के कितने पैर हैं, तो हर एक जानवर के मीन औसतन तो सही 11/12 पैर हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसमें जो दो जानवर दिए हुए थे वो कौन कौन से थे? एक थी मुर्गी सस्ती, गाय महंगी। अब ये मुर्गी और गाय के रेट के हिसाब से नहीं कह रहे कि मुर्गी जो है वो चिकन 350 और गाय जो है वो बहुत ही महंगी बिकती है 50-50 हज़ार की, ये नहीं कह रहा हूँ। सस्ती और महंगी से मतलब यहाँ होगा इनके नंबर ऑफ लेग्स यानी टांगों के हिसाब से। ठीक है, तो सस्ते के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुर्गी की कितनी टांगे होती हैं? मुर्गी के टांगे होती हैं दो। गाय, गाय की कितनी टांगे होती हैं? गाय के टांगे होती हैं चार। और अब इसमें M-D मीन माइनस डीरर कीजिए, तो यहाँ पर मीन माइनस डीरर और मीन माइनस चीपर उल्टा लिख दिया, डीरर माइनस मीन, डीरर माइनस मीन और मीन माइनस चीपर, ये सही लिखा हुआ है। मीन माइनस चीपर कीजिए तो मीन ये रहा 2 होल नंबर 11/12, इसको दो से घटा लीजिएगा भाई, इसको जब आप दो से घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 रुपये और 11/12 पैसे में से 2 रुपये हटा दिए, 11/12 पैसे बचेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। फिर इधर देखिए, इस वाले को अगर देखें तो 4-2 अगर आप करते हैं तो ये 1 होल नंबर 1/12 बन जाता है। घटाकर देखिए, 4 में से 2 पूरा चला गया, 2 के बाद में 2 बचा, 2 में से हमने 1 ले लिया और जो बचा है उसके 12 टुकड़े करके 11 निकाल दो, 1 टुकड़ा बचेगा। ये सब हम लोग फ्रैक्शंस में सीख चुके हैं भाई। अब देखिए क्या बात आ गई, 12 एकम 12 और 1 13/12 11/12। अब जब रेशियो में रिड्यूस कर दोगे तो ये 13:11 आ जाएगा, 13 और 11 कुल मिलाकर 24 रेशियो हुए हैं, यानी जानवरों के रेशियो के रूप में अगर देखा जाए तो 24 हैं, संख्या इनकी कितनी थी 48, तो 1 रेशियो यानी 2, तो इंटू 2 और इंटू 2 कर दो। मुर्गी कितनी हैं? मुर्गी हैं 13 दुनी 26, गाय कितनी हैं? गाय हैं 11 दुनी 22। आ गया होगा समझ में भाई, पहले वाला सही कर लेना यार, वो हमने यहाँ पे माइनस डी बोला शायद वही था जो लिखना चाहिए था लेकिन लिख गलत दिया है, तो उसको सही कर लेना आप लोग, यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, इसी के बगल में बताया था दूसरा क्वेश्चन भी, जैसे हमने कहा था कि सही आंसर दोगे तो 4 नंबर मिलेगा, गलत आंसर दोगे तो 1 नंबर काट लेंगे, और इस तरह से बंदे ने 130 क्वेश्चन हल करके कितने नंबर कमाए, 60 क्वेश्चन हल किए 130 नंबर कमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन पर उसको जो नंबर मिले वो 6 दुनी 12, 2 सही 1/6 नंबर मिले हैं, ये औसत आ गया, टोटल मार्क्स टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया इसका, माध्य कितना आ गया, औसत कितना आ गया, 2 सही 1/6 नंबर प्रति क्वेश्चन पे मिले इसको। अब चलो एलिगेशन लगा दो, 4 में से 2 सही 1/6 घटाओगे, 4 में से 2 पूरा चला गया, 2 बचा, 2 में से 1 तो बचा, अब 1 के 6 टुकड़े करो, 1 माइनस करना है तो 5, 6 में से 1 गया तो 6 में से कितना बचा, 5 माइनस कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, 4 माइनस 2 सही 1/6 यही कर रहे हैं ना, तो जब माइनस बेटा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माइनस एक में से
दो सही एक बटे छः में से माइनस करोगे माइनस एक, तो ये प्लस एक हो जाएगा ना। इस चीज़ को ध्यान देना भाई, दो सही एक बटे छः एक बार घटेगा चार में से, और एक बार जो दूसरा वाला यूनिट है वो घटेगा किस में से, दो सही एक बटे छः में, क्योंकि ये एक बार छोटा है तो अगली बार बड़ा है। तो यहाँ पर दो सही एक बटे छः माइनस माइनस का वन करोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा ना। दो सही एक बटे छः प्लस वन, तो प्लस वन अगर किया हमने तो कितना हो जाएगा, तीन सही एक बटा छः। ये थ्री होल नंबर 1/6 आपको मिल गया। अब रिजल्ट निकालो, क्षेत्र का 18 और एक 19 बटे छः, और यहाँ से 6 कम 6 5 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, रेशियो मिल गया 19:11। 19 और 11 टोटल होता है कितना, 30, 30, 30 अगर बराबर है, 30 रेशियो अगर बराबर है 60 क्वेश्चंस के, तो हर एक रेशियो बराबर हो जाएगा 20 के, तो यहाँ से हर एक रेशियो बराबर हो जाएगा 2 के, तो यहाँ से इसको (2)(2)(2) कर लीजिए, ये हो गया 38 और ये हो गया 22। आपको इधर मिल गया है 38, इधर मिल गया है 22, यानी सही किए हैं 38 और गलत किए हैं 22। ठीक है, पेज भर गया। एक क्वेश्चन और लिख के आपको समझाता हूँ। ये देखो गुरु, क्वेश्चन लिख दिया तुम लोगों के लिए हमने। ₹312 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 100 बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास ऑफ अ क्लास इन सच अ वे ईच बॉय रिसीव ₹3.60 एंड ईच गर्ल रिसीव ₹2.40, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली। कह रहे हैं मतलब ये हुआ कि एक क्लास में ₹312 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को ₹3.60 और प्रत्येक लड़की को ₹2.40 प्राप्त हुए। ठीक है, बोल रहा है आपसे कि लड़के और लड़कियों की संख्या इस क्लास के अलग अलग बताएं, अलग अलग कितनी संख्या होगी। तो साइमल्टेनियसली मेरे क्वेश्चन हम लोग इसमें लगाएं, सारी बातों के बाद समझ लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। कि मान लेते हैं कि लड़के हैं एक्स और लड़कियां हैं वाई, तो हमको मालूम है कि पहली क्वेश्चन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दूसरी क्वेश्चन बनाओगे ₹3.60 दे दो एक्स लड़कों को, ₹2.40 दे दो वाई लड़कियों को, और कुल मिला के रुपए कितने बन जाएंगे, 312। समझ में आ गया होगा, ये दो इक्वेशंस हैं, कैसे सॉल्व करना होता है आप सभी लोग जानते हो, इसको हल कर लीजिएगा उसी तरह से। तो ये हुआ क्वेश्चन अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से करना चाहें। क्वेश्चन अगर लीनियर इक्वेशन से करना चाहें तो क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन से इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या बॉयज मान लिया आपने एक्स, तो गर्ल्स हो गई कितनी 100 माइनस एक्स। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में हो जाता है, हर क्वेश्चन में नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको अलग अलग मानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है हम लोग कर ही ले रहे हैं, बॉयज एक्स गर्ल्स 100 माइनस एक्स, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन रुपए के हिसाब से बना दो कि अगर ₹3.60 दिए जाएंगे एक्स लड़कों को और ₹2.40 दिए जाएंगे 100 माइनस एक्स लड़कियों को, तो पूरी क्लास में बांटे जा रहे हैं कितने रुपए, 312 रुपए। एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ बॉयज, 100 में से घटा दिएगा मिल जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों बातें होंगी। तीसरी बात, अजम्पशन से हो सकता है। अजम्पशन से कैसे हो सकता है, आप ये कर सकते हो, इसमें ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो कि मान लीजिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की, टोटल कितने हैं 100 है ना लड़के लड़की, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की सबको ₹3.60 मिले, और सबको ₹3.60 मिले तो रुपया कितना 360, लेकिन वास्तव में रुपया बटा कितना 312। तो आप यहाँ पे देखोगे फ़र्क पड़ जाएगा कितने रुपए का, 48 रुपए का। इस 48 रुपए के फ़र्क का रीज़न क्या है बेटा, जिनको ₹2.40 मिलना था उनको भी हमने ₹3.60 दे दिए, यानी हर एक को ₹1.20 ज़्यादा दे दिए, एक हर एक लड़की को ₹1.20 ज़्यादा दे दिए, और फ़र्क कितने रुपए का आया, ₹1.20 की वजह से 48 लड़कियों को। इसका मतलब है कि लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिल गया ना, ₹1.20 लड़कियों को ज़्यादा मिला तो ₹48 ज़्यादा बढ़ गया। अब ₹1.20 एक लड़की को, तो ₹48 कितनी लड़कियों को डिवाइड कर लिया हमने, डेसिमल हटाया, 20 एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर दिया, 12 × 48 40 लड़कियाँ आ गई। तो इसका मतलब है कि 40 लड़कियों को हमने ₹1.20 ज़्यादा दे देकर ₹48 ज़्यादा बांट दिए। और अगर 100 में से बेटा 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, लड़के हो जाएंगे 100 − 40 यानी 60, तो लड़के हो गए 60। ठीक है भाई, इस बात को समझ लीजिएगा। और अब आते हैं 1, 2, 3 कितने तरीकों से आप क्वेश्चन करोगे यार। लो एक तरीका और ले लो, अगले तरीका का नाम है एलिगेशन। एलिगेशन अगर इसमें आप लगाते हो,
ठीक है, तो क्या कहोगे, 3 रुपये 60 पैसे मिलते हैं लड़कों को, 2 रुपये 40 पैसे मिलते हैं लड़कियों को, बी फॉर बॉयज़ जी फॉर गर्ल्स। और ये आप लोग जानते हो कि 312 रुपये अगर लड़के और लड़कियों में बिना कोई भेदभाव किए बांटा जाता, लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों किया जाता है भाई, भेदभाव का कोई खास कारण नहीं है भाई। देखो लड़कियों को 2 रुपये 40 पैसे क्यों दिया गया, लड़कियां खाली चाय पीती हैं, है ना, और 3 रुपये 60 पैसे लड़कों को क्यों दिया गया, वो चाय पीने के बाद में कोई मसाला खाएगा, कोई सिगरेट पिएगा, खर्चा ज़्यादा है इसलिए, और कोई भेदभाव नहीं। तो वो भेदभाव अगर ना किया जाए तो हर एक बच्चे को 3 रुपये 12 पैसे मिलेंगे, 3 रुपये 12 पैसे चाहे लड़की हो चाहे लड़का, हर एक बच्चे को 3 रुपये 12 पैसे, ये मीन हो गया, ये औसत हो गया, ये माध्य हो गया, क्लियर हो गया। 3 रुपये 60 पैसे में से 3 रुपये 12 पैसे घटा दीजिए, बड़े में से छोटा घटाइए, 3 रुपये 12 पैसे में 3 रुपये 12 पैसे 3 रुपये 60 पैसे में से घटाएंगे आप, 48 पैसा ये मिला। और अगर 2 रुपये 40 पैसे 3 रुपये 12 पैसे में से घटाएंगे तो 60 इधर से 12 इधर से 72 पैसा और मिला। रेशियो निकाल दो भाई, इसका रेशियो जब आप निकालोगे तो देखो बेटा दशमलव से दशमलव, अच्छा रेशियो कैसे निकालते हैं बात सब लोगों को श्योर शॉर्ट है ना भाई, कोई कन्फ्यूज़न अगर हो तो ऐसे निकालते हैं, 0.72 डिवाइड बाई 0.48, दशमलव से दशमलव खत्म, 12 छंग 72 12 चौ 48 2 3 6 2 2 4 यानी 3:2 का रेशियो आ गया, 3:2 का रेशियो है, 3 और 2 टोटल 5 रेशियो हैं, बराबर हैं 100 के, 1 रेशियो बराबर होगा 20 के, है ना, तो इंटू बीस कर लिया जाए तो 40 हो गई लड़कियां और 60 हो गए लड़के, ठीक है बेटा। तो यहां से इन आंसर्स के बातें अगर हम लोग करें तो एक बार इस क्वेश्चन को पूरे को जरा रिव्यू करके देखिएगा, हमने इसमें क्या क्या बताया, मैं रिवाइज कर दूं, हमने इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बताई है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी बताई है, अजम्पशन भी बताया और एलिगेशन भी बताया। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार मोहब्बत से आपकी समझ में आ जाएगी, इतनी चीज़ों को ध्यान दीजिए। मैं कल कुछ और क्वेश्चन आपके सामने प्रोड्यूस करूँगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए भाई, थैंक यू।